नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्राचीन काल की बात है, सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी हुई तब उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने करकसा नाम एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया था। विदाई के समय करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वचन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। इस पर वहां उपस्थित महिलाओं ने भगवान अनंत देव की पूजा करने और इस दिन अनंत देव का व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत को विस्तार पूर्वक जानने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और कहानी सुनी। साथ ही 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात अपने पति को बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया था और उस पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया था। ऐसा करने के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगा। फिर एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने इस दरिद्रता के आने का अपनी पत्नी से कारण जानना चाहा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे। निराश मन से वह न कुछ खाते न पीते, बस एक ही बात मन में करके घूमते रहते। एक दिन घूमते घूमते पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप ही किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करना और 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई और फिर अनंत देव भगवान की कृपा से कौंडिन्य ऋषि को समस्त दुखों से छुटकारा मिल गया। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत देव भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में भी विजयी हुए थे। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद से ही अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रभाव और महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। बोलिए अनंत देव भगवान की जय। गणेश जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। इतना सुन बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपनी बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले। बेटा बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ धन मांग लो। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा, बुढ़िया
तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जो तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। बोलिए गणपति बप्पा की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।